किसी के हताहत होने की मिसाइल ब्लास्ट में जानकारी नहीं है। यूक्रेन के लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में पूरी तरह से इमारत तबाह हो गई। मिसाइल ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि इमारत में 40 से ज्यादा लोग रह रहे थे। किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। यूक्रेनी पुलिस ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। डोनेस इलाके में कई जगहों पर रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई। एक गांव को बचाने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड। यूक्रेनी सैनिक ने पोस्ट का वीडियो शेयर किया है। खार्कीव में रूसी कम्युनिकेशन सेंटर पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी सेना की 92 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हमले में तबाह हुआ सेंटर। सेना ने ड्रोन से बनाया निशाना। हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के कीव में ट्रेन रिपेयर शॉप का पर मिसाइल हमला हुआ। तस्वीर में कैद हुए तबाही के निशान। मौके पर पत्रकारों को लेकर पहुंचा स्थानीय प्रशासन। हमले की पूरी जानकारी दी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया था दावा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से टैंकों की सप्लाई को बनाया निशाना। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा। कहा, हमने रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दो अलग अलग वीडियो जारी कर किया गया दावा। लपटों में घिरा नजर आया टैंक, हवा में हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के डोनबास में हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। हमले के बाद लोगों में दहशत। बोले, सब कुछ हुआ बर्बाद, हम कैसे रहेंगे, डर के साए में रह रहे हैं स्थानीय लोग। रूस ने सुमी में यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण केंद्र पर फाइटर प्लेन से मिसाइल गिराए। जंग में भारी गोलीबारी के बीच फंसा यूक्रेनी और विदेशी पत्रकारों का एक ग्रुप। रॉकेट अटैक में बाल बाल बचे पत्रकार। फायरिंग के दौरान जमीन पर लेटकर बचाई अपनी जान। ज़ापोरिज़्या दौरे पर पहुंचे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। विस्थापित लोगों से मुलाकात की। यूक्रेनी सैनिकों का शुक्रिया अदा किया। शहर से कई इलाकों में है रूसी सेना का कब्जा। युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार कीव के बाहर दौरे पर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। प्रेसिडेंट पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप। कहा, पर्दे के पीछे से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं पश्चिमी देश। यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों से और बढ़ेगा संघर्ष। अमेरिका और उसके सहयोगियों के दिए हथियारों से यूक्रेन में बढ़ेगी और तबाही। कीव में ज्यादा रेंज वाले रॉकेट का मुकाबला करने के लिए रूस के पास घातक हथियार मौजूद।